कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतज़ार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रह गए इंतज़ार उनकी ज़िंदगी में आज भी झमेले हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेरी ग्रेट एंड आई होप आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं सुबह सुबह उठी, मैंने अपने डेली रूटीन का वर्क किया, नहाई धोई, झाड़ू निकाली, कुछ घर का मम्मी का काम करवाया, फिर दो कॉलेज के लिए निकल गई। तैयार होने के बाद बस ली, कॉलेज में पहुंची एंड आप सभी को दिखाया, कॉलेज में गई। एंड सुबह सुबह हो रही थी यहाँ पे बारिश, और वहाँ पे हिसार में मैं पहुंची तो कॉलेज में, तो वहाँ पे निकली हुई थी धूप। तो मैंने देखा भाई ऐसे कैसे, वहाँ पे बारिश और यहाँ पे धूप। फिर मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि मौसम जैसे बदलता है, हमें उसी प्रकार अपनी लाइफ को भी चेंज करना होता है। अगर हमारी लाइफ में कभी दुख होते हैं तो हम उस मौसम को भी, दुख के मौसम को भी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, और फिर खुशियों का सुहाना मौसम आ जाता है। क्योंकि दुख के मौसम की एक अच्छी बात ये होती है कि वो मौसम थोड़े समय के लिए रहता है, और फिर उसके बाद एक सुहानी सुबह होती है और सभी खुशी रहते हैं। जो जो दुख में हिम्मत रख लेता है वो खुश के लिए तैयार हो जाता है, खुशी के लिए, लेकिन जो हिम्मत नहीं रखता तो वो दुख में ही डूबा रह जाता है। बस यही हमारी लाइफ होती है, कभी खुशी कभी गम, मूवी तो आपने देखी होगी। बस उसी के आधार पर लाइफ को सोचते रहो, आगे बढ़ते रहो, दुखों को सहन करते रहो, खुशी का इंतज़ार करते रहो, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों आज ना हमारी संस्कृत की जो टीचर है उन्होंने एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाई, तो मैं चाहती हूँ मैं आप सभी के साथ भी वो कहानी शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनना। तो जैसे कि एक शेर होता है और वो एक जंगल में रहता है और वो सभी जानवरों को खा जाता है। तो फिर ऐसे बहुत सारे जानवर बच्चे होते हैं जो छुप छुप के रह जाते हैं, तो वो शेर के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपकी एक जानवर से भूख शांत हो जाती है तो आप सभी को क्यों खाते हो। तो फिर वो बोला अच्छा ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो आप में से डेली एक मेरे पास आ जाना, मैं उसको खा लूँगा। तो वो बोले ठीक है। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने सबसे पहले जो बुज़ुर्ग थे उनको भेज दिया, उसके बाद जो थोड़े बहुत रोगी थे जिनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी उनको भेज दिया शेर के पास। शेर डेली किसी ना किसी को खा लेता था। फिर ये सभी हो गए ख़त्म, तो वो सभी सोचने लगे अब किसको भेजें। तो उन्होंने सोचा क्यों ना छोटों से शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने एक खरगोश को भेजा उसके पास। खरगोश ने सोचा भाई मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। खरगोश थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने अपने दिमाग का यूज़ किया। तो वो जैसे ही गया तो उसे रास्ते में एक कुआं मिला, तो कुएं में था पानी। तो उसने उसमें झाँक के देखा, तो उसने देखा भाई मेरे जैसा ही सेम एक और खरगोश है। तो वो सोचते सोचते चला गया शेर के पास। शेर गुस्से में हो गया क्योंकि वो बहुत लेट हो गया था, और शेर ने कहा कि भैया आज तुम लेट आए हो तो मैं कल सुबह तुम सभी जानवरों को मार दूंगा, क्योंकि हमारी शर्त के मुताबिक तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था और मेरी भूख जिसे शांत हो जाए वो करना चाहिए था, और तुम तो छोटे से हो इसे मेरी भूख कैसे शांत होगी। तो खरगोश ने दिमाग लगाया और उसने बोला कि मैं एक नहीं था, मेरे साथ चार पांच और थे, लेकिन उनको रास्ते में किसी और शेर ने पकड़ लिया, और वो शेर आपकी बहुत बुराई कर रहा था। वो ऐसे बोला कि इसके पास जा रहे हो, नहीं जाना उसके पास, और ऐसे बोल रहा था कौन है वो बुला के लाओ उसको, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। मतलब उसने उस शेर को भड़का दिया, जो शेर उसने इमेजिनेशन में ही बना लिया दूसरा शेर, और उसके खिलाफ उस असली शेर को भड़का दिया, और वो शेर भी भड़क गया। वो ऐसे बोला अच्छा भी चलो दिखाओ मुझे कौन हो गया ऐसा जिसने मेरे शिकार को पकड़ा और फिर ऐसे ऐसे बोल रहा मेरे बारे में। तो वो उसको शेर को उसके पास लेकर चला गया। तो उसने दिखाया कुएं में, तो कुएं में पानी था और पानी में उसी का रिफ्लेक्शन दिखा शेर का। तो फिर शेर कहता है हाँ ये रहा शेर। तो वो दहाड़ता है वहाँ पे, ऐसे कहता है कौन है भाई मेरे सामने आ। तो कुएं में से वो आवाज़ तो गूंजेगी, तो उसको भी वही आवाज़ सुनाई दी। तो वो खरगोश उसको और भड़काने लगा कि ये तो आपको बुला रहा है, आपको आगे से और धमकी दे रहा है कि आओ मेरे पास तुझे मैं देखूँगा। तो लोयन ने क्या किया, वो शेर कूद गया उसमें कुएं में और फिर वो मर गया, और ऐसे खरगोश ने अपनी जान बचा ली। तो देखो दिमाग ऐसी चीज़ होती है
जिससे हम कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। बस सही टाइम पे सही दिमाग लगाओ, ऐसे मत सोचो भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, गिव अप मत करो। जैसे खरगोश से पहले कितने सारे जानवर थे, उन सभी ने गिव अप कर दिया और सभी मारे गए शेर के हाथों, लेकिन खरगोश ने दिमाग लगाया और उसने सभी जानवरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ऐसी ही हमारी लाइफ होती है, अगर हम दिमाग से काम ले, सही बिल्कुल अच्छे से पेशेंस रखे, दिमाग से काम ले, तो कोई भी ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं है कि हम उसे सॉल्व ना कर सके। बस तरीका होता है हम उस चीज़ को किस वे में समझते हैं, किस तरीके से लेते हैं। तो मैं आप सभी से भी उम्मीद करूँगी कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने दिमाग का काम ले। और हमारा क्या काम है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है पढ़ना, पढ़ के कुछ अच्छा करना, इससे किसी और का फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा हमारा ही। हम भी फ्यूचर में कुछ बनेंगे, हमारा कुछ नाम होगा, फिर हमें प्राउड होगा खुद पे। और अगर हम ऐसे ही डेली आलस करते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने दिमाग को वेस्ट करते रहेंगे, तो फिर तो आप सभी को पता ही है क्या हो गया। तो गाइज, मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सौरव जोशी का व्लॉग देखा, एंड सभी पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी छत पे थोड़ी बहुत देर के लिए हवा खाने के लिए। तो अब मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हर हर महादेव।